तस्वीर हम आपको करनाल के कुराली गांव से दिखा रहे हैं, पश्चिमी यमुना नहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सरकारी गोताखोरों को करनाल पुलिस की तरफ से यहां पर लगाया गया। पूरा मामला मैं आपको एक बार बताने का प्रयास करता हूं। जो 23 तारीख को सुमित नाम का एक युवक है वो लापता हो जाता है, जिसके बाद उसके परिवार की तरफ से शिकायत दी जाती है, और शिकायत में लापता की जो शिकायत थाने में कुंजपुरा थाने में दी जाती है, और उसके बाद जब पुलिस जो छानबीन शुरू करती है तो परिवार की तरफ से कुछ लोगों पर जो शक जाहिर किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, कुछ पूछताछ की निशानदेही पर जो कुछ निकल कर सामने आता है, और उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आप देख सकते हैं कि जो सरकारी गोताखोरों की टीम है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। कुंजपुरा थाना से SHO तरसेम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, क्या मामला था, एक कौन से गांव का मामला और कौन व्यक्ति लापता हो, तो क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? ये एक 25 साल का सुमित लड़का है जो 23 दिसंबर से घर से मिसिंग है, और कौन से गांव का था सर? ये मुगल माजरे गांव का है, और 25 साल के करीब उम्र है इसकी, और 23 तारीख से मिसिंग है, जो अभी उसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो क्या सर के परिवार की तरफ से क्या शिकायत दी गई थी 23 तारीख? परिवार की तरफ से तो गुमशुदगी की कंप्लेंट दी गई, जिस पे FIR हमने दर्ज की हुई है, और उस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी उसकी सर्चिंग यहाँ कुराली नहर में की जा रही है। तो क्या परिवार ने कोई संदेह जाहिर किया था किसी पर? परिवार वाले संदेह भी जता रहे हैं, लेकिन उसी को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसी के अनुसार ही आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो थाना SHO तरसेम सिंह हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो परिवार की तरफ से शिकायत दी गई थी, गुमशुदगी की शिकायत है वो परिवार की तरफ से दी गई थी, और परिवार की तरफ से कुछ शक जाहिर किया गया था, और उसके बाद जो निशानदेही पर ही यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है फिलहाल वो चलाया जा रहा है। कुंजपुरा थाना पुलिस मौके पर है, सरकारी गोताखोर है, जो उनकी टीम है वो भी यहाँ पर बुला रखी है, क्योंकि जो पानी है वो काफ़ी ठंडा ज़रूर है, जिसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी ज़रूर करना पड़ता है। हालाँकि जो परिवार की तरफ से शिकायत दी गई थी, सुमित नाम का युवक जो कि 23 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है, और उसके बाद परिवार की तरफ से जो छानबीन की जाती है, रिश्तेदारियों में पता किया जाता है, लेकिन वो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आती, और उसके बाद जब उनके पास के ही गांव में जो वहां पर ट्यूबवेल पर उसके कुछ बटन या उसकी चप्पल मिलती है, और उसकी निशानदेही पर दोबारा से शक जाहिर किया जाता है, और पुलिस को सारी जानकारी दी जाती है, और उसके बाद कुछ छानबीन शुरू की जाती है, और उसी की निशानदेही पर यहाँ पर पुलिस पहुँची है। जो पश्चिमी यमुना नहर, आप देख सकते हैं कि सरकारी गोताखोर लगातार यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसको ढूंढने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है, जांच का विषय जरूर है, परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 23 तारीख को सुमित लापता हुआ था, जो कुंजपुरा थाना में उसकी जो शिकायत दी गई थी मिसिंग की, और उसके बाद जो फिलहाल पुलिस अपनी छानबीन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही, परिवार के लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो लाइव तस्वीर हम आपको पश्चिमी यमुना नहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुराली गाँव के पास सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है करनाल पुलिस की तरफ से, जो गोताखोरों की टीम है वो लगाई गई है। वहीं परिवार के, सुमित के परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, आपके क्या लगते थे और कब से लापता थे? ये 23 तारीख के लापता है सर, मेरा भांजा लगता था ये। तो क्या अब क्या पता चला है? भाई यही पता चला है कि भाई हम जो उन्होंने कल उगला है भाई मार के हमने नहर में डाल दिया, वो पल्ली में बांध के। अच्छा, तो परिवार के लोग हैं वो? हाँ जी। तो इसी के, सुमित के, गांव के भी है एक। अच्छा, कितने लोग हैं वो? 2-3 है। प्राथमिक तौर पर आपने देखा भी 23 तारीख को लापता हुआ, उसके बाद आपने शिकायत गुमशुदगी की दर्ज करवाई, लेकिन अब के ऐसा क्या आपको लगा कि भी आपको उसमें लगा भी दिक्कत है कुछ? दिक्कत ये है जी, घर वालों ने सख्त उनको। अच्छा, शक की बिना पे? हाँ जी। तो फिर उन्होंने बातचीत की जी, तो उन्होंने कुछ जो भी होया कल ले गए थे उन्होंने CA स्टाफ में जी, वहाँ पे जो भी उगले वहीं पे करे जी। फिर रात बताया जी उन्होंने मार को 8 बजे भैया ऐसे ऐसे करके हो गया। क्या सुमित नाम था? कितने सुमित नाम था? 25 साल। शादीशुदा तुम थे? नहीं। कौन कौन और घर में? घर में 3 भाई थे जी, मम्मी पापा थे, एक घरवाली थी, बीच वाले की शादी हो रही थी जी, इसकी शादी नहीं थी जी। तो शक किस पर है? शक तो उन्होंने बता ही दिया जी। परिवार के हैं? ताऊ चाचा के? वो तो उन्होंने बता ही दिया जी, पड़ोसी भी हैं, कुछ भी हैं, रिश्तेदारी में भी लगे जो भी हैं। टेबल किसका था जिस पर डेड बॉडी? वो का वो टेबल तो जी, वो कपड़े उसके वो मिले थे बटन और वो टेबल तो जी, वो ठेके पे ले रखा था उन्होंने किराए पे, गांव के पास ही, गांव के पास ही मुगल माजरा कराने। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा 30 है।
तो लाइव तस्वीरें हम आपको पश्चिमी अमना नहर से दिखा रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको एक बार विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। मुगल माजरा गांव का जो व्यक्ति है, युवक है 25 वर्षीय, वो लापता हो जाता है, जिसके बाद जो शिकायत है कुंजपुरा थाना में परिवार की तरफ से गुमशुदगी की शिकायत वहां पर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। लेकिन परिवार के लोगों को किसी पर शक होता है, जो परिवार के अन्य सदस्य थे जो उनके परिवार से लगते थे या कुछ रिश्तेदार थे, उन पर शक होता है। हालांकि जो बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर उनसे जो पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई, उनकी निशानदेही पर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि उसके जो शव को उसके द्वारा बताया गया कि मारकर यहाँ पर फेंका गया, इस प्रकार की प्राथमिक तौर पर जानकारी जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे। लेकिन पूरा जाँच का विषय जरूर है, पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जाँच करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब यहाँ पर पश्चिम यमुना नहर में आप देख सकते गोताखोरों की टीम है, वो यहाँ पर लगाई गई है। काफ़ी जो यहाँ पर पानी जरूर ठंडा जरूर है पश्चिम यमुना नहर में, तो ढूंढने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी जरूर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पर परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो युवक है उसकी हत्या की गई और उसके शव को किसी चीज़ में बांध कर यहाँ पर फेंका गया, इस प्रकार की आरोप है परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है वो सभी पहलुओं को लेकर यहाँ पर जाँच करती नजर आ रही है। गोताखोरों की टीम को यहाँ पर बुलाया गया और गोताखोर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो फिलहाल परिवार की तरफ से ही जो युवक है उसके रिश्तेदारों पर या जो अन्य उसके परिवार के सदस्य उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा इसकी हत्या की गई और उसके शव को बांधकर यहां पर नदी में फेंका गया है, इस प्रकार के आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन लाइव तस्वीर हम आपको करनाल के कुराली गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर पश्चिमी यमुना नहर के किनारे जो परिवार है वो बैठा हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो सुमित नाम का युवक है लापता हो जाता है 23 तारीख को, उसके बाद गुमशुदगी की जो जानकारी है पुलिस को दी जाती है, परिवार को शक होता है और शक की बिना पर कुछ लोगों से जो पूछताछ है करनाल पुलिस करती है, और उसके बाद कुछ बात निकलकर सामने आती है कि उनके द्वारा उसकी हत्या की गई और उसको शव को यहां पर फेंका गया, इस प्रकार की प्राथमिक तौर पर जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को लेकर जाँच की जाएगी। लेकिन जो सुमित है जो लापता हुए थे उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे अंकल जी, कब लापता हुए थे और क्या आपको शक हुआ? जी मेरे पास 23 तारीख को गुमा हुआ था जी, वो शनिवार का दिन था जी, उसे फ़ोन पर बुलाया गया जी, धोखे से बुलाया गया जी, वो खेत में हत्या करी जी उसकी जी, बुला गए जी। कौन है कि जी, किन पर शक है, कौन कौन है वो? अपने परिवार की है जी। आपके परिवार की? हाँ जी। तो क्या मामला आपको लग रहा है अभी, किस वजह से हत्या की है? बस इस बात का मतलब ये नहीं पता जी, कैसे वो करी हत्या, कैसे तो नहीं पुलिस ने पूछताछ करी उनसे? हाँ जी पुलिस ने पूछताछ करी, पुलिस ने पूछताछ करी है, तो जब तो ये यहाँ गिर के गए नहर में, नहर में गिर के गए वो। बस अगली बात का मैंने पता नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं सकता जी ज़्यादा जी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार है जो काफ़ी दुख में ज़रूर है, और क्योंकि जो पुलिस की तरफ से प्राथमिक तौर पर यही जानकारी दी जा रही है कि उन्हें सिर्फ गुमशुदगी की जो शिकायत है वो मिली थी, और कुछ उसी के बिना पर यहाँ पर जो जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया है, जो सरकारी गोताखोरों की टीम है फिलहाल यहाँ पर बुलाई गई है, जो अन्य सदस्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे बाबू जी, क्या आपको लगा, क्या अभी जानकारी मिली अब तक आपको? मिली तो पुलिस ने दी, भाई बताया भाई माँ आगे रखे ना मार का, इन्हीं के खेतों में इसका मारिया पिटा ना खत्म ले कर का, इन्हीं की गाड़ी कैमरे मारी, इन्हीं की मोटरसाइकिल है रही, इसी का दूसरा भाई भी है जो पकड़े जा रहा वो भी कैमरे में है, इन अपना कैमरा भी बंद कर दिया डिलीट मार दी, गाड़ी भी अपनी बताओ भाई मारी खराब हो रही, गाड़ी भी इनकी दिख रही कैमरे में वहाँ जो मुगल माजरा दिख रही मौके पर। तो लाइव तस्वीरें हम आपको कुराली गांव के पश्चिमी यमुना नहर से दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार जो अपने बच्चे का शव को ढूंढने के लिए बैठा हो, हालांकि गोताखोरों की टीम जो लगी हुई थी, लेकिन काफ़ी ठंडा पानी ज़रूर है और पुलिस की टीम है वो भी लगातार प्रयास करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो सुमिता 23 तारीख को लापता हुए थे, परिवार के तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार के अन्य कुछ सदस्यों पर कि उसकी हत्या कर उसके शव को यहाँ पर फेंका गया। देखने वाली बात होगी कि क्या करनाल पुलिस कब तक इस पूरे मामले को ट्रेस करती है और जो आरोपी है उनकी कब तक गिरफ्तारी करती है। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करना।